रुक जाओ। चैनल आई एम नसीमा और पूरा घर फैला हुआ है एंड रियान उधर सो रहा है। अभी न्यू ईयर का ये लास्ट डे है, शाम के 8 बज रहे हैं और ये मेरी सिस्टर बीमार पड़ी हुई है, इसको मैं जबरदस्ती बुला ली। एक्चुअली यहाँ पे भी आके मैं इसको बस देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये जब मुंबई में थी और मुझे बोलती थी चिल सो रहे हैं, सॉरी सॉरी ब्लॉक के चक्कर में मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये बात ही बैंगलोर में थी और इसकी तबीयत खराब हो गई अचानक में, तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं इसको बुला लाई। ये बेचारी तबीयत खराब में भी आ गई, बट होना पड़ता है ना यार, व्हेन यू स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली तो फिर क्या होता है ना कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो कौन होता है हेल्प करने के लिए, एंड आई थिंक एट दैट टाइम यू नीड योर फैमिली मोर। तो उस वक्त इसलिए क्या तुम्हें भी मेरी जरूरत थी उस वक्त हनी? मुझे तुम्हारी जरूरत हमेशा रहती है हनी। ये सिर्फ व्लॉग के लिए था, इसको मेरी जरूरत कमी नहीं रहती। आज का नाइट आखिरी मोमेंट हम कैप्चर करने वाले हैं कि ये साल दिख रही हूँ तो तुम बीमार हो तो दिखोगी नहीं क्या? फिल्टर लगा के अच्छा कर देना, सुंदर। कोई फिल्टर नहीं लगा रही मैं। खाना तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, सब्जी है, रोटी है और हनी कुछ खाना एक्स्ट्रा? हम केक मंगाएंगे और हम केक मंगाएंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। इमरान जी क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। वो है हमारा बेटा। इस साल के कुछ नए रेजोल्यूशंस? अभी ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं पर सोचेंगे। ये नहीं सोचा कि अपनी वाइफ को इस बार मैं ब्रेसलेट दिला दूंगा, इयररिंग दिला दूंगा, नेकलेस दिला दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं सोचा है। सोचो, मैंने दिमाग में इंसेप्ट कर दिया है ना, सोचूंगा आपके क्या आइडिया में। चलो ठीक है, सोच लूंगा। आंखों में दुख दर्द। मैं जा रही हूं मिस्टर खान के लिए इस साल की आखिरी कॉफी बनाने, शाइना कॉफी। शाइना को चाय चाहिए, मैं भी चाय पी लूंगी, मिस्टर खान को कॉफी बना के दे दूंगी इस साल की आखिरी कॉफी, और हम केक बनाएंगे और हम पार्टी करेंगे। ये इमरान के लिए साल की आखिरी कॉफी बना दी है और गुड़िया के लिए साल की आखिरी चाय और अपने लिए भी साल की आखिरी चाय। और शाइना कैसा रहा 2022? काफी रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए। कितना सफेद है ना ये। पापा को शायद से देख लो रियान, इसको धूप में ले जाएगा तो थोड़ा टैन। पापा पाच आ दो रियान, बेटे आपको टैन कर देना है थोड़ा। मैं अपना पर्सनली ये बताऊंगी, आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। ये मेरी बीमार बहन। मैं बहुत बीमार हूँ, साल के ज्यादा रात में बीमार हो गई। अपनी बीमारी छोड़ के जा रही है शाइना। गीला हो गया, लीक कर गया। मैंने साल के कपड़े, अपना आखिरी कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया, हर बहुत धुल जाएंगे। तो मैं और हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज हमने इस साल में 2022 में क्या सीखा। शाइना नहीं आना चाहती है, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाती हूँ यार, ये लोग ऐसे ही हैं, हमेशा मेरे व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं करते, दे आर वेरी बोर्ड पीपल। तो मैं इन लोग से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाऊंगी। दिस इज़ वन न्यू लेसन जो आपको पता रहती है लेकिन आपको फिर से रिमाइंडर देना पड़ता है, यू डोंट नीड एनीबडी इन योर लाइफ टू मेक योर थिंग्स बेटर, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तो जैसा भी है इट्स फाइन। तो मैंने ये चीज़ क्या सीखा है मैंने, करियर वाइज पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में। ये करियर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ माय प्रोफेशनल करियर देखा जाए तो। आई एम डूइंग सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो मैंने एक प्रोजेक्ट सोली ख़त्म भी करवाया था, इट वॉज अ टर्न की प्रोजेक्ट, तो इट गेव मी कॉन्फिडेंस वॉट एवर द रीज़न वॉज। क्योंकि देखो उस वक्त तो मैं बाकी बहुत डरी हुई थी कि ऑल ऑफ अ सडन मैंने वो काम किसी को असाइन किया हुआ था बट दैट पर्सन वुडंट डू दैट वर्क एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क द क्लाइंट पुट हिज ट्रस्ट ऑन मी, तो मुझे वो करना पड़ा। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड
और वो रमजान में चालू किया था, मतलब मैं वो बंदी थी जो रोजा रखने से डरती थी, और मैंने रोजों में वहां पे ट्रैवल करके वो चीज करवाई है, मार्केट शॉपिंग। और वो साइट 2.5 घंटा दूर था यहाँ से, 2.5-3 घंटा, तो वो चीज किया, तो इट गेव मी कॉन्फिडेंस। तो ये प्रोफेशनली मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव अनदर स्टार्ट 2023 में, ऑफ कोर्स मेनी मोर प्रोजेक्ट्स टू कम। अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट और रील किया है पोस्ट, और उसमें मैंने एक पोएम भी हल्की फुल्की सी मार दी है न्यू ईयर पोस्ट के तौर पे। इमरान जी कैसी लिखी थी मैंने? बहुत अच्छी थी। सुनाई कि नहीं सुनाई तुमने? नहीं मैंने नहीं सुनाई है, वो इंस्टाग्राम पे है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो और अब जा रहे हैं हम डिनर करने। डिनर तो कुछ बनाया ही नहीं है, केक बस आया हुआ है। डिनर देखते हैं क्या है। बिरयानी रखी हुई है कल की, और मटर पुलाव भी रखा हुआ है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, और हो सकता है एक दो मुझे रोटियां बनानी पड़े तो मैं वो बना लूंगी। और बस 1 घंटा बचा हुआ है नए साल का और नए साल आने में, तो मतलब ऐसा शायद है व्लॉगिंग चालू कर रही हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट किया है इसलिए शायद इसे कवर कर रही हूँ, वरना मुझे याद भी नहीं रहता नए साल आने पर मैं कैसा बिहेव करती थी, कैसा रहता था नया साल आने पर, कैसा रहता था हमारा। हाँ हम जनरली पार्टीज नहीं करते हैं, वी आर नॉट पार्टी पीपल, हम लोग घर में ही करते हैं, घर में ही हमारा पार्टी होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं थोड़ा और क्योस क्योटी हो जाता है मेरे लिए। वो शादी से पहले ऐसा होता था, दोस्तों के साथ पार्टीज करते थे, लेकिन उसके बाद यही मेरे संसार है। मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ना शाइना कोऑपरेट कर रही है ना मेरे हस्बैंड कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने इन लोग से पूछा भी अपने लाइफ चेंजिंग इवेंट्स बताओ इस साल का, मैंने ये भी पूछा क्या रिग्रेट्स हैं आपके, मैंने ये भी पूछा कि आप नए साल के लिए क्या विजन रखते हो। नथिंग, दे ऑल आर ब्लैंक। दे थिंक यू, तुम राइटर हो, तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। अब मैं राइटर हूँ, मैं अपना बताऊंगी ना, मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना निकालने। मित्र चलो नए साल होने में देखो कुछ ही मिनट रह गया, और ये मेरा दे दो। और मेरा बेटा पता नहीं क्या एक्टिव मोड में है, वो छोटा सा ये देखो ये घुंघरू रखा हुआ है, और इसके साथ ये घुंघरू है, और ये इसको साथ खेलने में लगा है, और ये देखो पूरा मेस है, पूरा मेस। और मैं नए साल से पहले इसको साफ करूंगी ताकि नए साल की शुरुआत साफ सफाई से हो। इमरान जी कैसा लग रहा है नए साल आने में? बस कुछ ही मिनट रह गए, कुछ ही मिनट। इन सब दो इनसे कोई उम्मीद ना लगे, मैं इतनी एक्टिव हूँ, और ये है मेरे पति देव। मेरा भी जितना एक्टिव था वो सब तुमने ले लिया ना। नहीं से चीज, ये विक्ट्री सिंबल होता है। ओ से चीज चीज। हमारी सफाई हो गई है, और ये देखो मेरा बेटा है अपनी बाइक चलाने में मशगूल, और हम जा रहे हैं केक काटने, जो कि ऑर्डर किया है हमारी छोटी बहन है न्यू ईयर के केक में। हैप्पी न्यू ईयर करने जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। इमरान जी को भी बुला देते हैं। मिस्टर खान क्या आप आने का कष्ट करेंगे यहाँ पे? 1, 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर कह दीजिए बिटू। हमने केक ऑर्डर किया था हैप्पी न्यू ईयर के लिए, और उसने देखो इसमें हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दिया है, तो आज है 2023 का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 2023। ये है मिस्टर खान जो कि काफी सीरियस है। ओ इनके हाथ में चाकू है। और हमने केक कट कर लिया है, और हमने खूब सारा खा भी लिया है, और मेरा बेटा एक्टिव मूड में भी आ गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं क्लोज करूंगी। आई होप यू लाइक टुडेस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड यू विल सी माय नेक्स्ट ब्लॉग सून, बाय। पुट्टू करो, पुट्टू करो, पुट्टू करो।